महाराज जी, गौड़िया वैष्णव की क्या साधना होती है? हम गौड़िया वैष्णव हैं। हाँ जी, हमारा प्रश्न है कैसे हम इसलिए गौड़िया वैष्णव, क्योंकि हम गौरांग महाप्रभु क्या नहीं आई है, और तो कोई इसका अर्थ नहीं होता, इसका भी कोई और अर्थ नहीं कर सकते कि वह गौड़िया वैष्णव है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा किया जाता है, इसलिए हम गौड़िया वैष्णव नहीं, हम गौड़िया वैष्णव इसलिए है क्योंकि हम महाप्रभु के भक्त हैं, और उनके द्वारा जो उन्होंने कहा है उसे हम पालन कर रहे हैं, इसलिए बॉडी नहीं, कम बॉडिया ही नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है, महाप्रभु के मुखवाणी है, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन, बाह्य शादत है करे श्रवण कीर्तन। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हम किसके भक्त हैं, महाप्रभु के, और ये बोल कौन रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, प्रश्न नहीं है कि ऑप्शन नहीं है कि मानू या ना मानू, अब लोग इंस्टीट्यूशन कुछ बोल रहा है, महाप्रभु कुछ और बोल रहे हैं, शायद देखो क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन। देखो देखो, साधन में दो प्रकार के होते हैं क्या, एक बाहर का और एक अंदर का, बाह्य अंतर। अच्छा, बाह्य का क्या होता है, बाहर का, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, भाई भगवान का नाम सुनो, भगवान का कीर्तन करो, ये साधक देह जो आपके शरीर है इससे करो, अच्छी बात है, बोलो कम कर रहे हैं, हाफ पार्ट आप जरूर कर रहे हैं। महाप्रभु दूसरी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं मने निज सिद्ध देह करिया भावन, मन से अपने निज सिद्ध देह का भावना करो कि मैं अमुक राधा कृष्ण की इस प्रकार से दासी हूं, और रात्रि दिने करे ब्रजेर कृष्णेर सेवन, वो कह रहे हैं दिन रात, मेरा मतलब 24 घंटा होता है दिन रात में ना, तो 24 घंटा ब्रज में ब्रज कृष्णेर सेवन, अपने ब्रज स्वरूप मंजरी स्वरूप से युगल सरकार की उपासना करो। राधा कृष्ण ग्रंथ सुनते ही आप अनक्वालिफाइड हो जाते हो, राधा नाम लेते ही आप सहज हो जाते हो, महाप्रभु कह रहे हैं पहले तो समझो कि ये करना है, रात्रि दिन, रात्रि दिन करना है, दिन रात रोज करना है, क्या राधा कृष्ण की उपासना, क्लियर हो गई, राधा कृष्ण की उपासना करनी है रात दिन। अच्छा कैसे करनी है, दो तरीके से, बाह्य और अंतर, श्रवण कीर्तन करते हो, हाँ करते हैं वो तो ठीक है, समस्या कोई अंतर, बाह्य अंतर इहार द्वैत, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, अपने निज सिद्ध देह जो गुरु प्रदत्त सिद्ध देह है, गुरुदेव ने अपने ध्यान से समष्टि गुरु के द्वारा संपर्क के द्वारा निर्धारित किया है कि आप का ब्रज में राधा कृष्ण की सेविका के रूप में अमुक नाम है, अमुक आपकी सेवा है, अमुक आपका कुंज है, तो जिस सिद्ध देह आपको गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है उस सिद्ध देह के द्वारा भावना करो कि मैं इस सिद्ध देह से राधा कृष्ण की सेवा कर रही हूं, और बाहर जो आपका देह है इससे श्रवण कीर्तन करो। अगर हम गौड़िया वैष्णव हैं और ये दोनों साधना ही नहीं कर रहे जो कि महाप्रभु ने बोली है, और किसने नहीं बोली, और महाप्रभु को कोई कार्ड दे और वो फिर भी बोल दे कि मैं गौड़िया वैष्णव हूं, क्या ये संभव है, बोले अब आप नहीं बोल, लेकिन हमारे यहां तो ऐसा, हमारे यहां मतलब अब गौड़िया नहीं है, घोड़िया के यहाँ पर ऐसा ही होता है, अंतर और बाह्य दो साधन होते हैं। अतः हमें अपने भक्तिमय जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, महाप्रभु द्वारा प्रदत्त साधना अंतर एवं बाह्य दोनों को ही दिन रात अंगीकार कर जीवन यापन करना चाहिए, तभी हम कहलाएंगे महाप्रभु के वास्तविक अनुयायी।